शिक्षा जगत के सभी समाचार आपको सबसे पहले मिले इसके लिए सब्सक्राइब करें नमस्ते सर यूट्यूब चैनल और बेल आइकन को ऑल पर जरूर से प्रेस करके रखें। नमस्ते सर, ट्रांसफर अपडेट जो प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग का तबादलों के संबंध में एक महत्वपूर्ण आदेश है वो दिनांक 14/10/2021 को निकाला गया है। उस आदेश में लिखा गया है कि राजकीय अधिकारियों और कर्मचारियों के स्थानांतरण प्रतिबंध के क्रम में विभाग के समसंख्यक आज्ञा दिनांक 14/9/2021 द्वारा 30/9/2021 तक शिथिलता या छूट प्रदान की गई थी। उक्त दिनांक के पश्चात पूर्व परिपत्रों के अनुसार वर्तमान में प्रतिबंध प्रभावी है, मतलब ट्रांसफर पर भी रोक लगी है। आगे लिखा जाता है कि राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया है कि कुछ विभागों द्वारा अपने स्तर पर ही कर्मचारियों या अधिकारियों के स्थानांतरण आदेश जारी कर इस विभाग को स्वीकृति हेतु प्रस्ताव जो अनुमोदन हेतु भिजवाए जाते हैं, जबकि कुछ विभागों के द्वारा बिना अनुमोदन के स्थानांतरण जारी कर दिए जाते हैं। राज्य सरकार के समस्त विभागों को निर्देशित किया जाता है कि स्थानांतरण पर प्रतिबंध की अवधि के बाद में जो विभाग के कर्मचारी के स्थानांतरण है किए जाएं तो अति आवश्यक होने पर ही उन परिस्थितियों का उल्लेख किया जाए और प्रशासनिक सुधार विभाग के द्वारा अनुमोदन करवाया जाए, उसके बाद ही ट्रांसफर किया जाए। और यह भी ध्यान में आया है कि कुछ विभागों में अधिकारियों और कर्मचारियों को आदेशों की प्रतीक्षा मतलब APO कर उन्हें अपने इच्छित स्थान पर ट्रांसफर कर दिया जाता है, जो कि प्रतिबंध की भावना के विपरीत है, ऐसा भी नहीं किया जाए। तो साथियों, ये थी खबर जो ट्रांसफर को लेके आज प्रशासनिक सुधार और समन्वय विभाग के द्वारा जारी की गई। आगे भी आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहे, जो ऐसी भी जो भी खबर हो उनके नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर जरूर से